हाय फ्रेंड्स, ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट सी. एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल एट सी, ठीक है. इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी. सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसको हमने नेम दे दिया है सी डी. इस पॉइंट को हमने डी नेम दे दिया है. तो अगर ये परपेंडिकुलर सी डी का लेंथ है पी, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी. ए बी है अगर सी यूनिट्स के इक्वल, बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट्स, और सी ए है बी यूनिट्स के इक्वल. तो प्रूव करना है हमें फर्स्ट पार्ट में पी सी इज इक्वल टू ए बी, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं. हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. तो ट्राइंगल के एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है, ठीक है. तो इस ट्राइंगल में हमें दो दो जगह 90 डिग्री दिख रहा है, एक तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, एक यहाँ पर भी 90 डिग्री. अगर आप इसे बेस माने तो ये हाइट हो जाता है, वैसे अगर आप इसे बेस माने तो ये हाइट हो जाता है, ठीक है. बेस और हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. तो इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं टेकिंग बी सी एज बेस, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी, मतलब हाफ इंटू ए इंटू बी, मतलब ए बी बाई टू. वैसे ही अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं टेकिंग ए बी एज बेस एंड सी डी एज हाइट, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी. ए बी की जगह आ जाएगा सी और सी डी की जगह आ जाएगा पी, मतलब हाफ इंटू सी इंटू पी, मतलब सी पी बाई टू, ठीक है. जब हमने बी सी को बेस माना तो उसका एरिया आया था ए बी बाई टू, जब हमने ए बी को बेस माना है तो उसका एरिया आया सी पी बाई टू. हम जानते हैं आप बेस किसी को भी मान लें तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका आंसर तो हमेशा वही आना चाहिए. तो ए बी बाई टू सी पी बाई टू के इक्वल हो जाएगा, टू टू को कैंसिल कर देंगे तो ए बी और सी पी इक्वल प्रूव हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. आइए देखते हैं. पहले एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. अब जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम बी सी को बेस मान के इसका एरिया निकालते हैं तो फिर हम ऐसे लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस बी सी मल्टीप्लाइड बाई हाइट ए सी, ठीक है. बी सी की जगह ए पुट करते हैं, ए सी की जगह बी पुट करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स. तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल टेकिंग बी सी एज बेस का आंसर आ गया ए बी बाई टू स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. वैसे अगर हम ए बी को बेस मान के जब इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, लिखते हैं सिमिलरली ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है टेकिंग ए बी एज बेस, तो क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस ए बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट सी डी स्क्वायर यूनिट्स. आप स्क्वायर यूनिट्स लिखना कभी ना भूलें, ठीक है. हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए बी कितना है सी, सी डी कितना है पी स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ गया पी सी बाई टू स्क्वायर यूनिट्स. तो अगर हम बी सी को बेस मान के एरिया निकालें या फिर ए बी को बेस मान के एरिया निकालें, एरिया का आंसर तो वही आने वाला है, मतलब ए बी बाई टू होगा पी सी बाई टू के इक्वल, टू और टू को हम कैंसिल कर देंगे तो पहला पार्ट जो हमारा था पी सी इज इक्वल टू ए बी वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है. आई देयर फोर पी सी बाई टू इज इक्वल टू ए बी बाई टू, दोनों टू कैंसिल, पी सी इज इक्वल टू ए बी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव, ठीक है. बहुत ही सिंपल था, बस एक बार बी सी को बेस मान के एरिया निकाल लिया हम, एक बार ए बी को बेस मान के एरिया निकाल लिया. अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट क्या है. आइए सेकेंड पार्ट में रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². एक चीज हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दोनों साइड्स में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब हमें एक 100% पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ पर भी स्क्वायर है प्लस वापस स्क्वायर है, ठीक है. अब हमें ऐसा इक्वेशन के बारे में सोचे जिसमें दोनों साइड्स में स्क्वायर है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी आ जाए. तो
ए और बी, अगर हम इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी में अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो हमें स्क्वायर दोनों साइड से मिल जाएगा, लेकिन हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों नहीं मिलेगा। वैसे अगर इस ट्राइंगल में भी अप्लाई कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो दोनों साइड्स में स्क्वायर तो मिलेंगे, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों एक ही इक्वेशन में नहीं मिल पाएगा। तो ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें अप्लाई करते हैं अगर पाइथागोरस थ्योरम तो हमें ए स्क्वायर भी मिल जाएगा और बी स्क्वायर भी मिल जाएगा। सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब जब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे पास आंसर ऐसा आएगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ये, लेकिन प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार वो रेसिप्रोकल को आप ध्यान मत दें, वन बाई पी स्क्वायर, वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर को हम इग्नोर करते हैं। हम ऐसे एक क्वेश्चन बनाने के बारे में सोचते हैं जिसमें एक तरफ पी स्क्वायर आए, एक तरफ ए स्क्वायर आए, एक तरफ बी स्क्वायर आए। तो अभी जो इक्वेशन मिल रहा है इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर वो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस हमें सी की जगह क्या लेकर के आना है, पी लेकर के आना है। सी की जगह पी कैसे आएगा, अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था, पी सी इज इक्वल टू ए बी, बस तो हमें क्या करना है सी की जगह लिख देना है ए बी बाई पी। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पर सी को हटा के हमें पी लेकर के आना है। तो ये जो हमने प्रूव किया था उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और सी की जगह पुट कर देंगे ए बी बाई पी, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी स्क्वायर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल, रीज़न क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी की जगह पुट करेंगे हम सी, बी सी की जगह पुट करेंगे ए, और ए सी की जगह पुट करेंगे बी। तो एक इक्वेशन मिल गया जिसमें ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर है। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था हमारे पास यहाँ पर पी स्क्वायर। तो अब सी को ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है कि हमें पी मिल जाए। अब सी की जगह पी कैसे आएगा, जो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव किया था, एक बार आप फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया था पी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या कहते हैं आपको, सी की जगह ए बी बाई पी, ये इक्वेशन बना करके इसको वहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा पी। तो यहाँ पर हम सी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन टू। तो यहाँ पर हम इक्वेशन टू मेंशन कर देते हैं। अभी हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम ले आएंगे नीचे, तो फिर ये हो गया वन बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। जिस फॉर्म में प्रूव करने बोले उस फॉर्म में ले आते हैं, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, यही प्रूव करना था प्रूव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है शुरू में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करना है एक बार टेकिंग बी सी एस बेस, और एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करना है टेकिंग ए बी एस बेस। दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को इक्वेट कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू पी सी प्रूव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट प्रूव करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें दोनों तरफ स्क्वायर हो और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी आए, मतलब ये जो पूरा ट्राइंगल ए बी सी है इसमें अप्लाई करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, बस आपको सी को हटा करके पी लेकर के आना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था, जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया था, वहाँ पर आप सी की जगह लिखेंगे ए बी बाई पी, और उसको यहाँ पर आप सी की जगह पुट कर देंगे ए बी बाई पी, और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सारे का वीडियो अपलोड कर दिया है बहुत का, और जो जो वीडियो आगे बनाने जा रहा हूँ उनका भी मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, और जितने क्वेश्चंस का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनको एक बार आप ज़रूर देख लें, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, थैंक यू गाइज़।